हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो नेटफ्लिक्स ने फाइनली जैक स्नाइडर की साइंस फिक्शन मूवी रेबल मून को रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी मूवी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने रेबल मून मूवी नहीं देखी है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अवॉइड करिए और बाद में जब आप मूवी देख लें तब आके इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि मुझको ऐसा लगा कि बिना स्पॉयलर्स दिए इस मूवी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे बात नहीं की जा सकती। तो मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, ये वीडियो स्पॉयलर फ्री नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने रिबेल मून मूवी देख ली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो रिबेल मून मूवी का गाइस जो बेसिक प्लॉट है उसमें ये है कि एक मदर प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम है, यानी मोस्ट पावरफुल किंगडम है यूनिवर्स का। यूनिवर्स के हर हिस्से में उनकी ऑलमोस्ट पहुँच है और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी हैं, क्योंकि जो थ्रोन है मदर प्लैनेट का उसके लिए आए दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, इस वजह से जो भी उनके अगेंस्ट जाता है उस प्लैनेट को नष्ट कर देते हैं, उनका अनाज हड़प लेते हैं, उनके लोगों को गुलाम बना लेते हैं। इसलिए कई जगह पर रिबल्स खड़े हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, और ये जो ब्रूटल कमांडर्स हैं मदर प्लैनेट के, ये इन रिबल्स को ढूंढ के उनको मार रहे हैं। तो हमारी जो लीड एक्ट्रेस है कोरा, जो पहले इस मदरलैंड की आर्मी में ही हुआ करती थी लेकिन अब उस आर्मी का हिस्सा नहीं है, तो ये एक प्लैनेट पर रहती है जहाँ पे इन मदर प्लैनेट वालों की नज़र है। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हुड़दंग मचाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें सप्लाईज नहीं दोगे, सप्लाईज यानी कि अनाज सोल्जर्स के लिए, तो हम तुम्हारे प्लैनेट को भी नष्ट कर देंगे। तो जो कोरा है वो कुछ वॉरियर्स को ढूंढ रही है ताकि वो एक टीम बनाए और मदर प्लैनेट के अगेंस्ट जा सकें। ये बेसिक प्लॉट था। अच्छा गाइस, मूवी के प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो सेट पीसेस दिखाए गए हैं कि एक प्लैनेट जहाँ पे मेटल की माइनिंग होती है तो थोड़ा सा कहें तो ब्राउनिश शेड वहाँ दिखाया गया है, लेकिन एक प्लैनेट जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे जो सिनेमेटोग्राफी है वो बिल्कुल अलग दिखाई गई है, और कुछ ऐसे प्लैनेट जो पूरे तरीके से इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ की सिनेमेटोग्राफी अलग दिखाई गई है। यानी कि खास करके ख्याल रखा गया है कि हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा अलग लगे। तो विजुअल्स सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मूवी का BGM बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर कैरेक्टर को एक डिफरेंट टाइप का BGM दिया गया है जो बैकग्राउंड में बजता है जब उनकी एंट्री होती है या हीरोइक एंट्री होती है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन गाइज, इस मूवी के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं और कुछ बहुत बड़े माइनस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, 30 से 40 मिनट का इसका रन टाइम कट कर दिया गया है क्योंकि डायरेक्टर कट रिलीज़ नहीं किया है नेटफ्लिक्स ने। ये मूवी, क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैरेक्टर्स को असेंबल किया जा रहा है ताकि एक बड़े यूनिवर्स के अगेंस्ट या एक बड़े किंगडम के अगेंस्ट वो जा सकें, तो जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है उनको इतनी जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाता। हालांकि कुछ डायलॉग्स के थ्रू हमें बैकग्राउंड में बता दिया जाता है कि वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदर प्लैनेट या मदर किंगडम से कनेक्टेड हैं, या उनके प्लैनेट को भी मदर किंगडम ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ, डायलॉग्स बहुत तगड़े हैं कि हाँ, इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। तो अगर उन्हें थोड़े बहुत विजुअल्स के साथ भी दिखा दिया जाता तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू ही 1 से 2 मिनट में उनकी बैकग्राउंड स्टोरी हमको बता दी गई और बस वो एक साथ असेंबल होके जा रहे हैं एक साथ। तो इससे गाइस प्रॉब्लम ये हुई कि हम इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए इन कैरेक्टर से। और इनमें से एक कैरेक्टर है जो एंड में मारा जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं आएगा उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हम इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए उससे। मे बी जो डायरेक्टर कट है उसमें मे बी हमको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उनका दिखाया जाए, तो मे बी डायरेक्टर कट इस मामले में बेटर हो, लेकिन ये जो फिलहाल कट हमको नेटफ्लिक्स ने दिया है इसमें सबसे बड़ी कमी यही है। और दूसरी चीज़ गाइस, इस मूवी में बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिनको देख के आपको दूसरी हॉलीवुड की IPs की याद आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हैरी पॉटर देखी हुई है तो उसमें आपको याद होगा एक चील और कौवे का क्रॉस होता है जिसको बगबीक भी हम लोग बोलते हैं। तो हैरी पॉटर जाके उसकी सवारी करता है, उसके सामने झुकता है तो वो उसे पसंद करने लग जाता है। एग्जैक्ट सेम सीन हमको रिबेल मून में भी दिखाया गया है, जहाँ पे डेरिक नाम का एक कैरेक्टर जो एक राजकुमार हुआ करता था लेकिन उसका प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो भी बगबीक जैसे कैरेक्टर को ही, एक क्रिएचर को ही राइड करता है। तो एग्जैक्ट सेम सीन इसमें भी दिखाया जाएगा, आपको तुरंत हैरी पॉटर की याद आ जाएगी। और आपको याद होगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब जनरल जॉर्ड की बॉडी को डूम्सडे में चेंज किया जाता है, लेक्स लुथर जब उसको चेंज करता है तो उसकी बॉडी से आके पाइप्स वाइप्स जुड़ते हैं,
तो ऑलमोस्ट वैसा ही एक कॉन्सेप्ट इसमें भी दिखाया गया है रिबेल मून में। और कुछ एक्शन सीन्स हैं जो देख के आपको दूसरी हॉलीवुड मूवीज़ की याद आ जाएगी, तो कुछ जगह पे आपको एक्शन ऐसा लगेगा कि हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश है। खास करके जो गन बैटल दिखाया गया है स्लो मोशन के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस मैं उम्मीद यही करूँगा कि जो डायरेक्टर कट है वो इन कमियों को पूरा कर दे। फिलहाल गाइज मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। अगर डायरेक्टर कट में ये सब कमियां पूरी हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म बन जाएगी। लेकिन इस कट की गाइज अगर मैं बात करूं जो नेटफ्लिक्स ने फिलहाल हमको दिया है, इसमें एडिटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको देख के लगेगा कि सीन्स को सही से एडिट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा चॉपी आपको लगेगा, और कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से हम कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे कैरेक्टर से। विजुअली मूवी बहुत अच्छी है, एक्शन सीन, स्लो मोशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्या आपने रिबेल मून देख लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।